बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शुमाइला और आज शुमाइलास किचन में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम शुमाइलास किचन में स्ट्रॉबेरी का जैम बनाने जा रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। 1/2 kg मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, इनको धोकर पत्तों को मैंने अलग कर दिया है। 1 कप चीनी और 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस चाहिए हमें। तो चले हम स्ट्रॉबेरी जैम बनाना शुरू करते हैं। अब हम इन स्ट्रॉबेरीज को 4 हिस्सों में काट लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैंने स्ट्रॉबेरीज को काट लिया है 4 हिस्सों में। आप इसको चाहें तो अपनी मर्जी से और ज़्यादा बारीक कर सकते हैं ताकि ये गलने में आसान रहे। इसमें से मैंने ये थोड़ी सी जो है वो निकाल ली है, ये हम इसी तरह से डालेंगे उसके अंदर, पेस्ट के अंदर, और बाकी जो है इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। इसको मैं जूसर के अंदर डालकर और इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये हम इसको, जी तो हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम चूल्हे पे अपनी पतीली रखेंगे, पेस्ट जो है वो इसमें पतीले में डाल लेंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से हम साफ करेंगे और चूल्हे का फ्लेम हम ऑन कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम हम स्लो रखेंगे और इसके अंदर ये जो स्ट्रॉबेरीज हमने बचा कर रखी थी ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से, और हम इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। अब हम चीनी इसके अंदर डाल देंगे। चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी और इसी चीनी के अंदर, चीनी के पानी के अंदर हमने ये जो स्ट्रॉबेरी काटी हुई थी वो इसके अंदर गलेंगी। हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारा चीनी जो है वो इसके अंदर शामिल की हुई है वो नीचे ना लगे, साइडों पे ना लगे। ये देखें इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगी और इसके अंदर जो चीनी ने पानी छोड़ा हुआ है वो खुश्क होगा और ये स्ट्रॉबेरीज जो चंक्स हैं इनको भी हमने साथ साथ ऐसे तोड़ते रहना है ताकि ये छोटे होते जाएं। अब हम इसके अंदर 1.5 स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब इसे हम 10 मिनट तक पकाएंगे, तो मिलते हैं 10 मिनट तक। मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक चीनी का पानी खुश्क नहीं हुआ। हम इसको मज़ीद 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। चीनी का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें इसके अंदर स्ट्रॉबेरी चंक्स भी फील हो रहे हैं। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। थोड़ा सा हम प्लेट पर निकालेंगे। यस राइट, हमारा जैम जो है वो तैयार है। हम इसका फ्लेम, चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। जी तो फ्रेंड्स, हमारा जैम जो है स्ट्रॉबेरी जैम बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही लजीज है। स्ट्रॉबेरी को आजकल स्ट्रॉबेरी बहुत सस्ती मिल रही है बाज़ार में, आप इसको लेकर सेव कर सकते हैं और इससे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी जो है विटामिन सी का ज़खीरा है, इसमें बहुत वाफर मकदार में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो देखिए हमारा जैम बहुत टेस्टी है, इसको आप ब्रेड पर लगा कर तो नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। ये देखें इसके अंदर कितने खूबसूरत चंक्स जो हैं वो स्ट्रॉबेरी चंक्स नज़र आ रहे हैं। ये बहुत टेस्टी हैं। ये देखिए इस तरह से आप नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। तो मैं
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।